संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय संगत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है, उसका कितना अच्छा असर हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके उनके मामले का हल किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री हैं वो उपस्थित होते हैं। तो वहीं बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए और लोगों को समस्याओं को सुने और क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण कुमार, पहले सुनने की बात चाहिए था कि जो कार्यक्रम हमारा है उसके बारे में कोई आप न जानकारी लेना चाहते हैं और न उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय संगत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है, उसका कितना अच्छा असर हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके उनके मामले का हल किया जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा है बांग्लादेश के बारे में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है, तो अंतर्राष्ट्रीय इशू के बारे में भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों का हल निकालने के लिए। और आपने देखा कि यूक्रेन में जब बिहार के बच्चे फंसे थे तो बिहार के बच्चों को और वहाँ के यहाँ के नागरिकों को किस तरह से निकाला गया, लाया गया भारत। और उसी प्रकार से चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की घटना दुर्घटना होती है उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक बिहार का सरकार की सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल इन मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं, कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। देखिए, तरह तरह की सोच वाले देश के अंदर लोग हैं और व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया शांति चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है। और ये संदेश भारत से जाता है तो निश्चित रूप से बड़ा पैगाम है और उस पैगाम को सब लोग अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वहाँ तानाशाह चला रही थी श्री घटना, उसी तरीके से भारत में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तानाशाह है। अब उनका व्यक्तिगत विचार है, देश मोदी जी के नेतृत्व में आज 11वां साल चल रहा है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, कहीं से तो इस तरह की बात नहीं है। लेकिन जो जिनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो रही है तो उनको तो लगता होगा ये सरकार जल्दी चली जाए, ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप गलत काम कीजिएगा। और उसका उदाहरण दूसरे स्वरूप में आप ले जाइएगा, इंटरनेशनल इशू को आप लोकल इशू बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो कहीं से कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग घटना के बाद वो अरे भाई, अभी जो घटना हुई है उसका पटे छेद करने की जरूरत है, उसमें नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। शांति बहाल हो, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, इसकी जरूरत है और अभी दूसरी बात चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे समझ। कार्रवाई अगर कुछ होगी तो हम आरोप तो कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, तो आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के हिसाब से काम कर रही है, जो भी किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है,
और अगर उनको ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल खबर बनाना चाहिए। अरे भाई, आपको क्यों डराया जाएगा, आपको क्यों धमकाया जाएगा? आप अगर कुछ गलत काम किए होंगे तो आपको मन में भय है, अच्छा काम कीजिएगा तो क्या मन में भय है? तो मैं समझता हूँ कि सरकार में न किसी को डराया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को छोड़ाया जाता है। धन्यवाद। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि जो लोगों की समस्या है उसे हम लोग बैठकर निदान करते हैं, और जिस तरह से बांग्लादेश में जो उपद्रव हो रहा है उसको लेकर उनसे जब सवाल किया गया कि बिहार सरकार इस पर क्या कुछ कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए सचेत हैं और इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम खबरें न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।